कलरफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आज करंट फीलिंग्स पर रीडिंग लेकर आई हूँ, और सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं है आज की रीडिंग। आज मैं आप दोनों के ही करंट फीलिंग्स को देखूंगी यहाँ पर, कि आप दोनों के वर्तमान भावनाएं, यानी कि अभी इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी है, क्या चल रही है। ठीक है, तो आपके लिए इसलिए मुझे देखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीडिंग मैंने सही की है या गलत। अगर आपकी भावनाएं मैच हो जाती है तो आपके पर्सन की भी भावनाएं बिल्कुल वही होंगी जो मैं यहाँ पर रीडिंग में बताने वाली हूँ। तो इसी वजह से आज आप दोनों के ही देख लेते हैं। ठीक है, आप दोनों के ही करंट फीलिंग्स पर रीडिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि अब मैं आपसे मैं जो है ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स ही रखूँगी ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, है ना। आप अपने नाम के हिसाब से भी इसे देख सकते हो या फिर अपने पोर्शन के नाम के हिसाब से भी आप इसे चूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर पाइल नंबर 1 में मैंने रखे हैं अल्फाबेट्स, बता देती हूँ आपको, ABDKFH MPO SVX और Y, ये है पाइल नंबर 1। रिपीट करूँ गाइस, ABDKFH MPO SVX Y, ओके। और पाइल नंबर 2 में है CEG ILJ QNR UTW Z, रिपीट, CEG ILJ QNR UTW और Z, ये है पाइल नंबर 2। तो दिल पर हाथ रखिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और अपने पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। ठीक है, ताकि आपकी जो है फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं, है ना। और यहाँ पर मैं 2 डेक यूज करूंगी, जैसा कि आप जानते हो जब भी मैं आप दोनों की रीडिंग करती हूँ तो 2 डेक का इस्तेमाल करती हूँ। तो एक से आपके लिए करेंगे और एक दूसरे से आपके पर्सन के लिए करेंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो ये है पाइल नंबर 1, ABDKFH MPO SV X और Y, और ये है हमारे कार्ड्स। मैसेज भी निकालूंगी गाइस मैं, ठीक है, मैसेज भी निकालूंगी आपके पोर्शन की तरफ से, मैसेज निकालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सफिंग। अरे उछल के दूर गिर गया। चलिए गाइस, फटाफट से आप निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, High priest, Nine of Cups, Six of Swords, Four of Wands, एक कार्ड और चाहिए, सन, वाव। और बॉटम में हमें मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट भी बता देते हैं कि कौन से साइन मेजर निकल कर आए हैं यहाँ पर। स्टे पॉजिटिव,
सो पाइल नंबर वन, यहाँ पर इस रीडिंग में मेजर अरकाना से एक कार्ड आया है जो है स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये होता है लियो की एनर्जी सबसे स्ट्रांग इस रीडिंग में लियो की एनर्जी है। इसके अलावा भी फायर साइन ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, लियो सैजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि, उसके बाद वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि, उसके बाद यहाँ पर एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और कुछ लोगों के लिए बॉटम के कार्ड से अर्थ साइन भी नजर आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वर्तमान भावनाएं, यानी कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हो आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, आपका दिन कैसे बीत रहा है, आप किस सोच में डूबे होते हो, है ना, इन सब चीजों को ही कहते हैं वर्तमान भावना की रीडिंग, यानी कि करंट फीलिंग्स की रीडिंग। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक कार्ड आया है जो है स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये है सबसे बड़ा कार्ड मेजर अरकाना से यहाँ पर आया है ना, तो आप है ना बहुत हिम्मत रख रहे हो। जी हाँ, मुझे इस कार्ड को देखकर नजर आता है कि आप अपने आप को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, अपने आप को टूटने नहीं दे रहे। आपने जिंदगी में बहुत सारे दर्द झेल लिए हैं और आप जो है बहुत मजबूती से हर चीज का सामना कर रहे हो, यानी कि अभी तक आप पूरी तरीके से टूटे नहीं हो, आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, बहुत हिम्मत कर रहे हो गाइस, है ना, बहुत हिम्मत रख के आप बैठे हो, है ना, कि जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, मुझे जो है इसका सामना करना है। ओके, तो इतना हिम्मत लेकर आप अभी जो है अपनी जिंदगी का सफर तय करते हुए मुझे नजर आए हो। तो देखिए यहाँ पर और क्या चीजें हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, हाई प्रिस्ट का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने बहुत सारी आपका ज्यादातर टाइम जो है ऊपर वाले के साथ दुआ करते हुए ही बीत रहा है, कि जो भी खुशियां अभी आपके जीवन में नहीं है, जो भी दर्द आपको मिल रहा है ना, आपको वो सारी खुशियां मिल जाए, आपको हिम्मत दे ईश्वर। आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए, प्रेयर्स करते हुए, दुआएं करते हुए मुझे नजर आते हो। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने किसी चीज की मन्नत यहाँ पर मांग रखी है। आप यहाँ पर अपने पोषण के लिए ही डेफिनेटली मन्नत मांग रहे हो, ये बात मुझे यहाँ पर नजर आ चुकी है गाइस। ठीक है, क्योंकि इतना हद तक इतनी बुरी तरीके से आप इस इंसान को याद कर रहे हो, इस इंसान के प्यार के लिए तड़प रहे हो, है ना, ये मुझे नजर आ रहा है। देखिए, आपने इस इंसान को अपना दुनिया मान रखा है, आप इन्हें अपनी दुनिया समझकर बैठे हो, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और आपकी दुनिया से आज ये इंसान किसी वजह से दूर हो गए हैं, दूर चले गए हैं, आपके जीवन में ये इंसान नहीं है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में नहीं है, पर फिर भी आप इतना हिम्मत करके बैठे हो कि इस इंसान को ही अपनी दुनिया में चाहते हो, और इसी के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मन्नतें आप मांग रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, जिस ईश्वर को आप मानते हो उनके सामने जो है आपने पूरा अपना जो है झोली फैला रखा है कि मुझे इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, और इस इंसान को किसी भी कीमत में आप अपनी दुनिया में लेकर आना चाहते हो, और आपका मन्नत, आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी दुआएं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर यहाँ पर नजर आई है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर आया है पेज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आप चाहते हो कि आपके पोषण इसी तरीके से आपके लाइफ में वापस आए, ठीक है, जिस तरीके से ये चले गए थे, आपको इनके साथ और कोई दूसरा रिश्ता नहीं चाहिए। आप कितने लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती का भी ऑफर करते हैं, पर आपको इनसे और कोई दूसरा रिश्ता नहीं चाहिए, ना दोस्ती ना कुछ, जैसा प्यार ये आपसे पहले किया करते थे, बस आपको इंतजार है कि ये इंसान बहुत सारा प्यार लेकर जल्द से जल्द आपकी दुनिया में वापस आ जाए जिस तरीके से ये चले गए। तो इसी इंसान के एक्शन का आपको यहाँ पर इंतजार मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आप इनके बिना बिल्कुल खुश नहीं हो, आपकी जिंदगी से जैसे सारी खुशियां जितना भी था वो सब जा चुका है ना, आप इनके साथ खुश होना चाहते हो, इनके अलावा जो है आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, खाना पीना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी ज़िंदगी से जैसे खुशियाँ चली ही गई है, तो आप बस सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के साथ अपनी खुशियाँ देख रहे हो कि ये जिस दिन मेरी लाइफ में आएंगे उसी दिन मैं मुस्कुराऊंगी या फिर मेरी ज़िंदगी में जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसी पल का, इस खुशियों का आप इंतज़ार करते हुए नजर आए हो जो ये इंसान लेकर आपकी दुनिया में आएंगे, तब जाकर आपकी दुनिया में बाहर आएगी। तो अभी आप बहुत उदास में हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका यहाँ पर इंतज़ार नज़र आ रहा है उस इंसान का जो शायद अभी आपसे दूर हो गए हैं, जीतना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। देखिए, फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है, आपको लगता है कि इतना प्यार देने के बाद भी आखिर आपके हाथ खाली ही रह गए।
आपको वो जीत हासिल नहीं हुई, जो जीत जो है आप दोनों को शादी करके या घर बसाकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताकर जो एक जीत हासिल होनी थी उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाए। तो आप इस रिलेशनशिप में जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन तमाम प्रॉब्लम से निकल कर आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे और आप दोनों की प्यार की जीत हो, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे हारी हुई नजर आई है ना। तो इनके साथ ही छोटा सा घर, इनके साथ ही जो है आपको शादी करनी है, इनके साथ घर बसाना है, तो छोटा सा घर का सपना, इनके साथ खुशियों वाली जिंदगी, आपने यहाँ पर यही सब देखी है, यही सब मुझे जो है आपके करंट फीलिंग्स में नजर आई है गाइस। आज भी आप जो है इस इंसान के लिए ही मन्नतें कर रहे हो, इस इंसान को ही पाने की ख्वाहिश है, इस इंसान का ही इंतजार कर रहे हो, बहुत संभाला है आपने अपने आप को, टूटने नहीं दिया, चाहे आपको इनसे जितना भी दर्द मिला है, पर भरोसा कहीं ना कहीं आपको है कि सब कुछ एक ना एक दिन अच्छा हो जाएगा और ये सारी खुशियां आपके पोषण लेकर आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आपका मन करता होगा गाइस, यहाँ पर हमें सिक्स ऑफ सोर्स मिला है जो दिखाता है कि आपका बहुत मन करता है कि जाकर उनसे मिलूं, उनके गले लगा लूं, है ना। हो सकता है कि आपके पोषण आपसे बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो आपका इनको मिलने का बहुत मन करता है गाइज, है ना। यहाँ पर भी देखिए आप जाना चाहते हो, यहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आपकी तरफ आ जाए, ट्रैवलिंग करके आ जाए, आपसे मिलने आ जाए, आकर आपको खुश करते, आपके साथ खुश हो जाए ना, आपकी दुनिया में वापस आ जाए, तो आपको भी बहुत मन होता होगा इनके इन तक पहुंचने का, इनको गले लगाने का, इनके साथ खुश होने का, सब कुछ मुझे ऐसा ही नजर आता है गाइस, कि अगर किसी से मिलने की चाहत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पोषण से है, और इसके लिए अगर ट्रैवल भी करना पड़ जाए तो आप करने के लिए तैयार हो कि आपके पोषण नहीं आ रहे तो मैं ही चला जाऊँ, एक बार बुलाए तो सही, एक बार कॉल करे तो सही, है ना। तो इसी इंतजार में मुझे आप नजर आ रहे हो। देखिए इस इंसान के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी देख ली है, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स आया है जो दिखाता है कि अगर आप खुश, अगर आपकी जिंदगी में कोई खुशी आनी है तो बस इस इंसान के आने के बाद ही आनी है, यानी कि आपने तो पूरी की पूरी सपने यहाँ पर इस इंसान के साथ देख लिए है कि किस तरीके से परिवार की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से कैरियर को प्लान करना है, किस तरीके से इनके साथ घर बसाना है, किस तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे चलानी है, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका जो है स्टार्ट और एंड यही पोर्शन मुझे नजर आता है। आपने इनके लिए बहुत सारी सपने यहाँ पर देखे, बहुत सारी विशेष आप जो है ऊपर वाले से मांग रहे हो, और सिक्स में भी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी जो आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ये कार्ड भी यही दिखाता है कि आप अभी भी रेडी हो, अगर आपके पोषण आपके पास आते हैं तो आप उन्हें पहले जैसा प्यार देने के लिए, पहले की तरह केयर करने के लिए, पहले की तरह सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आपके हाथ हमेशा देने के लिए ही उठे हैं इस इंसान को, और अभी भी आप चाहते हो ये इंसान वापस आ जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप खुशी खुशी जो है इस इंसान को फिर से पहले से भी ज़्यादा आप इन्हें प्यार करोगे, यानी कि आप इसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी देना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिल में जो आप इन्हें देना चाहते हो, बस आपको इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के आपकी दुनिया में आने का, ठीक है। तो यही मुझे जो है आपके करंट फीलिंग्स में नजर आई है गाइस। तो क्या आपकी ये विशेष जो भी है, आप जितना भी यहाँ पर दुआएं मांग रहे हो, ऊपर वाले से प्रार्थनाएं कर रहे हो, इनके साथ घर बसाने का, इन्हें बहुत सारा प्यार करने का, केयर करने का, जो भी है ना, इनकी गलतियों को भूल कर, इनकी गलतियों को माफ करके आपने यहाँ पर जो भी सपने देखे हैं, क्या ये यहाँ पर पूरे होंगे? तो डेफिनेटली गाइज, देखिए जो भी मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पर मांग रहे हो ना गाइज, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपकी पूरी हो रही है, जो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपकी तमाम विशेष ऊपर वाला पूरी कर देंगे। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आपके पोषण को आपकी दुनिया का हिस्सा बनना ही है और ये बनकर ही रहेंगे। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आपको मिला है जो दिखाता है कि आप इनके साथ जीत हासिल करना चाहते हो, आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, तो ये तमाम खुशियाँ लेकर आपकी जो है पोषण डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे और आप खुश भी हो जाओगे, ठीक है। आप, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ आपकी करेंट फीलिंग्स नहीं बताई है गाइस, जो फ्यूचर में होने के संभावनाएं हैं वो सब चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स में जो भी निकल कर आया है क्या वो चीज़ें पूरी होंगी। तो डेफिनेटली पूरी होंगी, सन से ज़्यादा बेहतरीन कार्ड कुछ नहीं होता। आप जानते हो कि सब खुशियाँ पाने के हकदार आप हो और ये आपको देने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आपकी सभी विशेष यहाँ पर पूरी हो रही है और आपके पोषण भी डेफिनेटली आपकी दुनिया में वापस आएंगे, ठीक है। और आप उन्हें भरपूर तरीके से वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही केयर आप उन्हें दोगे भी, ठीक है। ये मैंने आपको फ्यूचर भी बता दिया आपका, ठीक है। तो चलिए अब बताना कमेंट करके कि मैंने जो यहाँ पर रीडिंग की है क्या यही चाहत है जो आप हर वक्त हर पल सोच रहे हो, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे यहाँ पर और कुछ नजर आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो अपना कैरियर पर ध्यान देना छोड़ ही दिया है, अपने जीवन पर ध्यान देना तो आपने छोड़ ही दिया है, आपके दिमाग में बस 24 घंटे
यही इंसान है जिसके साथ ही आपको जीना है, जिसके साथ ही आपको मरना है, जिसके साथ ही आपको खुश होना है। इसके अलावा तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर आया ही नहीं है, तो मैं अब और आपको क्या बताऊंगा इस, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपसे मैच होती है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल इस इंसान को ही आप इस इंसान के बारे में ही सोच रहे हो, आपने तो किसी और के बारे में यहाँ पर सोचना ही छोड़ दिया है। तो क्या आपके पर्सन भी ऐसा ही फील करते हैं जैसा आप कर रहे हो? चलिए इन्हें अभी हटा देते हैं यहाँ से गाइस। अब निकालते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है उनकी भावनाओं में। दोनों की करंट फीलिंग्स थोड़ी लंबी होती है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी निकालने हैं एट द एंड, मैं भूल भी सकती हूँ रीडिंग करते करते। तो अगर आपकी करंट फीलिंग्स मैच हुई है तो ध्यान दीजिए कि आपके पर्सन की भी मैच होगी, ठीक है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना रे प्यारे। चलिए ऑफ सोर्स, वाह द वर्ल्ड, आपके यहां पर भी यही आया था ना गाइस, जजमेंट, छुनु मुनु, फोर ऑफ पैंटिकल्स, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन सेवन का दो कार्ड आया है। आपकी एनर्जी निकल कर आई है द एम्प्रेस, वाओ। एम्प्रेस और एम्प्रेस, और बॉटम में क्या है गाइस, बॉटम में निकल कर आया है टेन ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर एरिस बहुत स्ट्रांग नजर आया है मुझे, इसके अलावा जो है सोर्ड्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है गाइस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद फायर साइन है, लियो, सैजिटेरियस, धनु, मेष राशि, अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो पाइल नंबर वन, देखिए आपके करंट फीलिंग्स तो मैंने बता दिए हैं, और आपके करंट फीलिंग्स में बाहरी दुनिया का कोई भी मुझे इंटरफेरेंस नज़र नहीं आया, यानी कि आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है कि आप दुनिया से लड़ जाओ आपके पोषण के लिए, है ना। तो यहाँ पर वहाँ पर मुझे कोई भी थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई, और ये सच्चाई भी है कि अगर आपके पोषण हिम्मत करते हैं तो आप भी हिम्मत करोगे, आपको किसी की नहीं पड़ी। पर देखिए आपके पोषण की एनर्जीज में फिर से वही तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली जो है कार्ड्स निकल कर आए हैं, है ना। और यही चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है रिलेशनशिप में। बहरहाल मैं अब आपको डिटेल में रीडिंग बताती हूं कि इनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं क्या है। सबसे पहले इनकी भावनाओं में आप हो, देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है जो इनके आपकी एनर्जी है, आप जानते हो, है ना। तो आपके पोषण, सबसे पहली बात, आपके पोषण अभी भी आपको याद कर रहे हैं, अभी भी आपके प्यार को, आपके होने का ना होने का जो एहसास है इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है, यानी कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है,
इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, अगर भूल जाता है, भूल कर अगर वो किसी और के साथ खुश हो जाता है गाइस, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ रिलेशनशिप का दी एंड हो गया है, ये इंसान भूल चुका है। पर मुझे तो आप अभी भी इनकी भावनाओं में नजर आए हो, अभी भी इनकी फीलिंग्स में, इनके दिमाग में, इनके दिल में आपका राज है। इसका मतलब ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, आपको बिल्कुल भी भुलाया नहीं है इस इंसान ने, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, तो फिर ये आपको क्यों इतना ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं? यहाँ पर जो सेवन ऑफ वैंस का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि इस इंसान की ये हरकतें अभी भी चालू है, यानी कि खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे। आप में से कई लोगों को ब्लॉक कर रखा है, कॉल करते हो आप तो कॉल नहीं उठाएंगे, मैसेज करते हो तो देखकर अनदेखा कर देंगे, है ना। कभी कभी आएंगे, चले जाएंगे, इन एंड आउट करेंगे, कभी प्यार दिखाएंगे, कभी नफरत दिखाएंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर हो रहा है इसका, इस इंसान का, है ना। यानी कि बहुत बुरी तरीके से आपको जो है इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इतना प्यार है तो ये सब चीजें क्यों, ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये भी तो आपके इस मन में सवाल तो आना जायज है गाइस, है ना। मैं मानती हूँ इस बात को, तो इसकी वजह भी है। लाइन बैक टू बैक यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है वजहों की, कि क्या क्या वजह है। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल खामोश हो गए हैं यहाँ पर। छुपे रुस्तम का जो हमारा कार्ड आया है ना, ये दिखाता है कि बिल्कुल भी ये अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं बता रहे, अपना प्यार भी नहीं जता रहे हैं। यानी कि आपके सामने बिल्कुल ये इंसान खामोश हो गया है, चुप्पी साध ली है, नहीं बता रहे हैं, खाली आपको सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है गाइज, क्योंकि इस इंसान को अब भी बिना इस इंसान को अभी भी आपके और इनके रिश्ते को लेकर यहाँ पर कुछ डाउट हो रखा है, कुछ समस्या हो रखी है, कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान कंफ्यूजन में है, समझ नहीं पा रहे कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी कि सेवन ऑफ सोर्ड्स हमेशा दिखाता है कंफ्यूजन वाली एनर्जी, भरोसे की कमी। सबसे बड़ी बात है भरोसे की कमी, ओके। और इन्हें ये भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है आपके और इनका रिश्ता एक हो पाएगा या नहीं, आपका और इनका शादी हो पाएगा या नहीं, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आ पाओगे या नहीं, तो इन सब चीज़ों को लेकर डाउट में है आपके पर्सन, समझ गए। और डाउट होने का कारण बिल्कुल इसके ऊपर का कार्ड आप देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जी हाँ, ये रिलेशनशिप जो अभी टूटी है या फिर दूर हो रखी है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रखे हो, तो इसके पीछे की एक और सिर्फ एक वजह है, वो है मदर फिगर, मदर इशू, या फिर फैमिली का इशू। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ तांडव जो है तांडव का नाच जो है नचाया जा रहा है, और ये है इनकी फैमिली की तरफ से, समझ गए। यानी कि इन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है, इस बात का इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आपको, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिन्हें ये भूल नहीं पा रहे, इन्हें इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। फैमिली के खिलाफ जाऊं या फिर नहीं जाऊं, हम दोनों में कास्ट का प्रॉब्लम है, रिलीजन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पता नहीं हम दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली इनके खिलाफ है या फिर आपके खिलाफ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुझे जो यहाँ पर मैटर नजर आया है आप दोनों के बीच की जुदाई का, वो ट्रस्ट इश्यूज का होना ही नजर आया है, ठीक है। फैमिली की वजह से एक दूसरे के रिलेशनशिप को नाम दे पाओगे या नहीं, ये इंसान आप पर और इन पर कुछ भरोसा ये इंसान नहीं कर पा रहे, समझ गए। अब दूसरी भी एक वजह बता दूं, दूसरी वजह ये खुद आपके पोर्सन हो सकते हैं, जो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स भरोसे की कमी टॉक्सिक रिलेशनशिप आया है ना, तो ये हो सकता है कि आपके पोर्सन ने ही आपका भरोसा कई बार तोड़ा है, ठीक है। ये आपके साथ लॉयल नहीं हो पाए, इन्होंने इनके और आपके बीच का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। ये हो सकता है कि इनकी बार बार गलतियां करने की वजह से आपने ही इन्हें जो है भरोसा करना छोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें नजर आई है, इनका खुद का बिहेवियर और दूसरा जो है इनका फैमिली का मैटर। अब आप देखिए कि कौन सा चीज़ जो है आपके पर्सन की ही गलतियों की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, या फिर फैमिली की वजह से, कास्ट या रिलीजन की वजह से टूटा है। क्योंकि इनकी जो भी है ना, ये मदर है या सिस्टर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा आपके पोषण को कंट्रोल किए हुए हैं, आपके पोषण और आपका रिश्ता बने ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते, ओके। मदर फिगर के बावजूद यहाँ पर फैमिली का भी कुछ हो सकता है गाइस, पर मदर का ज़्यादा निकल कर आया है, ठीक है। अब इसके बावजूद ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में क्या है, देखिए गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर जो टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम में, ये इस इंसान की गलतियों को दिखाता है। यहाँ पर जो ये इंसान जो है गस्त खाकर बैठा हुआ है, तलवारें चली है ना, ये तलवारें एक्चुअली में
ये तलवार इन्होंने आप पर चलाई है, समझ गए? आप पर चलाई थी जब ये रिलेशनशिप में थे, यानी कि जो 10 तलवार है उनमें से एक धोखा हो सकता है, दूसरा आपको इग्नोर करना हो सकता है, तीसरा जो है आपको टाइम नहीं देना हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे यू नो आपके साथ धोखा कर देना, चीटिंग कर देना, आपको हर बात के लिए जलील करना, यू नो ये सब बैक स्टेबिंग आपको भी हुई है, पीछे से तलवार आपको भी चलाई गई है इस इंसान ने अनएक्सपेक्टेड वे में, यानी कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो इंसान ये करके गया है आपकी जिंदगी से, है ना? तो धोखा आपको दिया है और आज देखिए बॉटम में ही ये एनर्जी रूल कर रही है, यानी कि ये इंसान आज आपसे जुदा होकर, आपसे दूर होकर, आपको तकलीफ देकर, आपको दर्द देकर, ये इंसान खुद पछतावे में है। यानी कि इस इंसान को अभी जो है अपनी की गई गलतियों का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपको बैक स्टेप करके, आपको दर्द दे के, आपको आंसू देकर। ओके, तो ये डेड एनर्जी होती है, यानी कि आपके बिना इस इंसान का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, इन्हें पता चल चुका है कि मैंने गलतियाँ की हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि जाऊं तो जाऊं कैसे, आगे बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे, रास्ते सब बंद हो गए और रास्ते जो है मैंने खुद ही अपने ही हाथों बंद कर दिया है। ओके, तो ये पछतावा, गिल्ट, रिग्रेट सब कुछ इस इंसान को हो रहा है, और ये इंसान आपके बगैर अपने आप को जिंदा नहीं महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में आपके पोर्शन मुझे नजर आए हैं। और इसके नीचे भी बिल्कुल फिर से आपकी एनर्जी नजर आई है, यानी कि ये आपको आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। ये इंसान देखिए डेफिनेटली जजमेंट लेकर आपके पास आना चाहते हैं, जजमेंट का कार्ड वहीं पर आता है जहाँ पर नाइंसाफी होती है, और नाइंसाफी कितनी बुरी तरीके से हुई है आपके साथ ये मुझे बॉटम के कार्ड को देखते साथ ही पता चल गया है। कई लोगों को तो यहाँ पर चीटिंग का भी सामना करना पड़ा है, ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो जजमेंट लेकर आना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, अपनी गलतियों से माफी मांगना चाहते हैं, आपके पास आकर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा जलते हैं आपके पर्सन। देखिए 6 और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि जलन होती है, इस इंसान को जलन होती है जब ये आपको कहीं और देख लेते हैं, किसी और के साथ देख लेते हैं, कहीं आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है, तो इस इंसान को दर्द के साथ साथ डर भी लगता है ना, कि आप जो है हमेशा के लिए कहीं इनसे दूर ना हो जाओ, है ना? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं, समझ गए गाइस? ये हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं हुए हैं और ना ही दूर हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी बहुत भयंकर मजबूरी चल रही है, देखिए भरोसा अभी भी फैमिली के ऊपर नहीं कर पा रहे कि पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, है ना? ये चीज़ आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली नहीं मान रही, पर ज़्यादातर केसेस में आपके पोषण ही कहीं कमज़ोर पड़ गए, जो हिम्मत आप में है ना वो हिम्मत शायद ये इंसान नहीं दिखा पाए आपकी तरफ, है ना? तो डेफिनेटली इनकी इच्छा यही है कि आपके साथ ये फिर से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अभी चुप है, खामोश है ना? तो इसके पीछे की वजह जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस लिए वो आपको दूर कर रहे हैं, किस लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर इस इंसान की एक और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है जो आपकी ख्वाहिश थी, है ना? वो है द वर्ल्ड का कार्ड। ये आपकी रीडिंग में भी आया है, यानी कि ये इंसान जानते हैं कि आप ही हो वो हो जो इनकी दुनिया का हिस्सा बन सकते हो, आप ही वो हो जो इनकी दुनिया को पूरी कर सकते हो, है ना? और यही जो है इंसान आपको अपनी दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। पर यहाँ पर तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा ने सच में काम बिगाड़ के रखा हुआ है, आप दोनों को एक होने नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से आपके पोषण यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे गाइस। पर इनकी करंट फीलिंग्स पर हम रीडिंग करें तो आपको देख आप खुद देख लीजिए, खामोश होते हुए भी, आपसे दूर होते हुए भी, आपको इग्नोर करते हुए भी, आपको ही अपनी दुनिया मान रहे हैं, आपके लिए ही पॉजिटिव है, आपके लिए ही जल रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते पर खो चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर चुप्पी की वजह भी है, पर मन ही मन प्यार करते हैं, और ये जो है एक किसी वक्त का इंतजार करते हुए मुझे नजर आए हैं जब सब कुछ पहले जैसा आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड आया है कि जो भी चक्र अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी गलतफहमी हो रखी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब क्या जो है खत्म होने का वक्त हो रहा है। आप दोनों भी घूम फिर कर जो है एक दूसरे की दुनिया में आओगे ही, है ना? तो इसे कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी अभी चल रहा है वो कुछ समय का है, कुछ पलों का है, आप दोनों इनसे निकल जाओगे और एक दूसरे की दुनिया में आ ही जाओगे। ओके, और आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी मान रहे हैं। आज आप इनकी दुनिया में नहीं हो तो इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पोर्शन आपको अपनी किस्मत भी मानते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड हमेशा
एक लकी इंसान की एनर्जी होती है ना, कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में होते, अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो इस इंसान की ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, आप इनके लिए एक तरीके से लकी चार्म हो, लक लक हो, आप इनकी किस्मत हो, आपको अपनी किस्मत की तरह मानते हैं ये इंसान, ओके। पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी जाकर यहाँ पर एक्शन का कार्ड निकल कर नहीं आया है। पर आप अभी भी इनके दिमाग में हो, तो सोचो जो इंसान दिल और दिमाग में होता है ना, उसे वो कभी नहीं भूल पाएगा, और उसके प्यार के खातिर भी ये इंसान एक्शन लेंगे। तो जो हिम्मत आप में आई है, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए, दुआएं करना मत छोड़िए, ताकि आपके पोषण जल्द से जल्द आपकी दुनिया में आए। गाइस, ये अभी भी आपको चाहते हैं, अभी भी आपको प्यार करते हैं, अपनी दुनिया मान बैठे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनकी दुनिया में और भी कुछ लोग हैं, है ना, जिनसे ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, या फिर जिनको ये ना नहीं कह पा रहे हैं, है ना। तो समस्याएं इनको अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, इसी वजह से चुप्पी साथ बैठे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि मैसेजेस में ये क्या कहते हैं। ये मैसेजेस आपके पोषण की तरफ से आपके लिए है, ठीक है। एक और, चलिए इतने निकाले हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव माई मिस्टेक्स। तो बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी इन्होंने भेजी है। ये कह रहे कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। बहुत ज़्यादा ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, इन्हें एहसास है कि इन्होंने गलती की है। तो बिल्कुल बॉटम का जो कार्ड आया है, उसी के लिए जो है ये मैसेज भी इन्होंने भेजा है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। गाइस, तुम्हें आज भी देखता हूँ, और ये कह रहे हैं कि जी हाँ, ये आपको देखते ही नहीं, ये आपको भूले ही नहीं है बिल्कुल भी, इनके दिमाग में आपकी तस्वीर ताजा है ना, ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते। तो ये जो छुनुमुनु वाला हमारा यहाँ पर कार्ड आया है, ये भी एक दिखाता है ना, कि ये इंसान आज भी छुप छुप कर आपको देखते हैं, आप पर जासूसी कर रहे हैं, कि कहीं आप क्या मन नहीं बदल गया, कहीं कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं चुके हो, है ना। तो ये डर की भावना जो है, मैंने आपको कह दिया था कि डरे हुए हैं, तो इसी वजह से कह रहे कि तुम्हें आज भी देखता हूँ। चलिए, यू आर माई ट्रू लव, ये कह रहे कि आप ही इनका सच्चा प्यार हो आपके, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड जो आया है, ये दिखाता है कि जो इंसान किसी को अपनी ज़िंदगी मान बैठा हो, किसी को अपनी दुनिया मान बैठा हो, तो उनका प्यार तो डेफिनेटली सच्चा होगा ही। पर यहाँ पर क्या हो गया, इनका प्यार थोड़ा सा बढ़ गया है ना, परिवार की तरफ बढ़ गया, या किसी और सिचुएशन की तरफ बढ़ गया। पर ये प्यार और वो प्यार फ़र्क होता है गाइस, बहुत सारा डिफरेंस होता है ना। तो ये आपसे कह रहे कि आप ही इनका सच्चा प्यार हो। विल यू चूज मी और समवन एल्स, फिर से वही देखे, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये बहुत डरा हुआ इंसान है जो भी है ना, ये कह रहा है कि आप इन्हें सेलेक्ट करोगे, आप इन्हें चूज करोगे, या किसी और को चूज कर लोगे। तो डर की भावना अगेन यहाँ पर नजर आ रही है आपके पोर्शन की तरफ से। तो कहीं आप ना निकल लो, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ, या फिर कहीं आप किसी और के साथ शादी ना कर लो। तो ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं आपके पोर्शन, यही दिख रहा है मुझे तो इनके फीलिंग्स में। इंतज़ार कर सको तो करो। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि जब मैंने वर्ल्ड के कार्ड को देखा, तो मैंने कहा कि ये इंसान कुछ वक्त का इंतज़ार करे, जब ये सारी प्रॉब्लम से ये निकल कर आपकी दुनिया में आ जाए। तो इन्होंने यही मैसेज भेजा है कि इंतज़ार कर सको तो करो, यानी कि ये इंसान डरा हुआ है गाइस। जी हाँ, पाइल नंबर 1 बहुत डरे हुए है, परेशान है, आपको घुमा तो चुके हैं, और हमेशा के लिए ना घुमाना पड़ जाए, कहीं आप लाइफ में मूव ऑन ना हो जाओ, कहीं आपको कोई पसंद ना आ जाए, है ना। तो इसी वजह से एक यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो करो, मैं सारे प्रॉब्लम से निकल कर वापस तुम्हारी दुनिया में आऊँगा, या फिर आऊँगी, ठीक है। तो यही थी करेंट फीलिंग्स गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपकी करेंट फीलिंग्स मैच होती है तो ये रीडिंग आपके पोर्शन की भी डेफिनेटली 100% मैच होगी, ओके। जिनकी एनर्जीज आज यहाँ पर है, उनके लिए मैच होगी, ठीक है। तो इतना कहते हुए गाइज, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइज, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 CEGILJQNRUTW और Z, ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके पोर्सन का नाम का पहला अक्षर स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले आपकी भावनाएं देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट करने में आसानी हो। अगर आपकी भावनाएं मैच होती हैं तो आपके पोषण की भी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी भावनाएं मैच नहीं हुई है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी ना हो, है ना। इसी वजह से आप दोनों की ही फीलिंग्स को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए,
चले गाइस, कर ली है कार्ड्स की शफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। और पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, चैरिट। नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्टार। मेजर अरकाना से दो बड़े कार्ड्स निकल कर आए हैं। अब दो कार्ड्स और चाहिए मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम में क्या आया है गाइस? बॉटम में आया है द मून का कार्ड, है ना? तो चलिए साइन और एलिमेंट भी बता देते हैं आपको, यहाँ पर कौन कौन से सबसे ज़्यादा निकल कर आए हैं इस रीडिंग में गाइस। एक्वेरियस, पाइसेस और कैंसर सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पर मुझे फायर साइन नजर आई है, लियो सैटर्नस या धनु मेष राशि। उसके बाद एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद कुछ लोगों के लिए वाटर साइन नजर आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि। और अगर आपके साइन और एलिमेंट यहाँ पर नहीं आए हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पर पाइल सेलेक्ट किया है, तो बस आप रीडिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स में क्या क्या चीज़ें चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, मायूस कर रही है, दर्द दे रही है ना? तो चलिए बारी बारी से बताते हैं आपको क्या क्या खुरापाती चीज़ें चल रही है आपकी ज़िंदगी में और आपके दिमाग में। तो सबसे पहले देखें एक दर्द वाला बात जो है द मून का कार्ड, जो बॉटम में ही आपके निकल कर आया है। यानी कि पाइल नंबर टू, आप में से कई लोगों को ना आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिला है, ठीक है? कमिटमेंट की कमी रही है, कमिटमेंट रिलेशनशिप में। यानी कि आपने, हो सकता है कि आपने पर्सन से कहा हो कि अगर हम प्यार करते हैं तो क्यों ना हम शादी कर ले, क्यों ना हम इंगेजमेंट कर ले, परिवार से मिला लो, मिलवा दो, परिवार से बातें कर लो, या फिर कोई ना कोई ऐसा कमिटमेंट जो आपने इनसे मांगा था और आपके पर्सन ने आपको देने से इनकार कर दिया। यानी कि रिलेशनशिप को वो नाम नहीं मिल पाया, वो पहचान नहीं मिल पाई, वो प्यार कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। इस बात का दर्द कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है पाइल नंबर टू यानी कि द मून का कार्ड, ठीक है? अब देखिए, आप में से कई लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने जिस इंसान से प्यार किया है ना, वो इंसान जो है धोखेबाज है, वो इंसान जो है आपके लाइफ में कुछ गेम खेलने के लिए आया था, आपके साथ खेल लिया, आपके दिल के साथ खेल लिया। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने तो इनको फाइनेंशियली भी हेल्प की हो, है ना? पर ये इंसान आपको एक प्लेयर की तरह लगते हैं, गेम खेला है जिस इंसान ने, आपकी भावनाएँ नहीं समझी है ना, जो हमेशा आपको इग्नोर करते रहे हैं, टाइम पास इन्होंने किया है। तो इस बात का दर्द भी आपको कहीं ना कहीं होता है। पर बावजूद इसके भी गाइस, ये आपका दिल कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, है ना? आपका दिमाग आपसे कहता हो कि नहीं, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, इस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दर्द दिया है, आपके पास कोई अट्रैक्शन की वजह से आए थे, ये इंसान ठीक नहीं है। आपका दिमाग ये कहता है पर आपका दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, बुरी तरीके से दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो आप, कन्फ्यूजन में हो आप। और ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिल और दिमाग के बीच की कन्फ्यूजन है गाइस, जहाँ पर आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये इंसान वापस आएगा, क्या ये इंसान मेरे लिए सही था। आपका दिमाग आपको ये चेतावनी देता है पर आपका दिल कहता है कि नहीं, वो इंसान ज़रूर आएगा, ये इंसान ऐसा नहीं है। तो आपका दिल इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, यानी कि आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ने आपको घेर रखा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि करे तो क्या करे, इस इंसान को समझाए तो कैसे समझाए, ये इंसान वापस आए तो कैसे आए। आपका ज़िंदगी जो है बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह हो गई है कि इधर जाओ तो कुआ, दूसरी तरफ जाओ तो खाई। आप बीच में बिल्कुल यहाँ पर स्टक हो गए हो, अटक गए हो, एक्शन बिल्कुल भी नहीं है आपका, ठीक है? अब देखिए, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो जो ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो,
ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा है गाइज आपका पाइल नंबर टू, है ना। आप अगर आपने इंसानों से तो भरोसा गुमा ही दिया है, पर ऊपर वाले पर भरोसा करना आपने नहीं छोड़ा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है जो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, दुआएं बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि आपका वक्त अच्छा हो जाए, आपको जो भी तकलीफें मिली हैं, आपको जो भी दर्द मिला है, उन दर्द से आपको आज़ादी मिल जाए। और आपका जो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोषण को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का ही मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पर करते हुए नजर आए हो। तो आप कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग हो जो दिन रात ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हो कि आपकी जिंदगी में आप सब कुछ अच्छा हो जाए, आपका प्यार आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए। तो कुछ विशेष यहाँ पर आपने मांगी है, मन्नतें आपने यहाँ पर मांगी है, ऐसा ही नजर आता है। कहीं ना कहीं आपके पोषण और आपके बीच में जो जुदाई आई है ना गाइस, इस जुदाई के पीछे आप एक इंसान को बहुत बड़ा जिम्मेवार मानते हो। एक क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है जो आपके जहन में है। आपके पोषण को तो आप याद करते ही हो, है ना, पर उनके जुदा उनकी और आपकी जुदाई के पीछे कहीं ना कहीं इस महिला को बहुत ज़्यादा जिम्मेवार मान रहे हो, ठहरा रहे हो। आपको लगता है कि इनके वजह से ही आपके पोषण आपसे दूर हुए हैं, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि आपके पोषण की खुद का ही कैरेक्टर ठीक नहीं था, गलतियाँ इनमें ही थी, है ना, ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए। तो कुछ लोगों का यहाँ पर फैमिली मैटर भी नज़र आता है, मदर या सिस्टर हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है ना, जो आपके पोषण को आपसे दूर कर दिया है। ऐसा आपके जहन में कहीं ना कहीं एक महिला का है, या फिर परिवार भी हो सकता है, ये कास्ट या रिलीजन भी हो सकता है ये, ठीक है, फैमिली में कुछ भी आ सकता है। तो ये भी आपके दिमाग में चक्कर काट रही है, फीलिंग्स में आपके मुझे नजर आई है। तो आप इन सब समस्याओं से निकलने के लिए ऊपर वाले से बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हो गाइस। आपकी एक ही एक चाहत है कि आपके पोषण जो दूर हो गए हैं आपसे, वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए। उन्होंने आपको भरोसा तो दिलाया कि साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर साथ छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि इनमें हिम्मत नहीं थी, हो सकता है कि ये एक्शन, ये कोई बहुत बड़ा यू ना एक्शन कदम नहीं उठा पाए आपकी तरफ। तो आप चाहते हो कि आपके पोषण कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन ले, आपको अपना बनाने के लिए कुछ तो करे, इनसे लड़े, ऐसे लोगों के खिलाफ जाए, ऐसे लोगों को समझाए, कुछ तो करे। तो आप बस अपने पोषण के एक्शन लेने का इंतजार करते हैं मुझे यहाँ पर नजर आए हो। आप में से कई लोग आपके पोषण से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो, आप चाहते हो कि वो एक बार आ जाए आपसे मिल ले, क्योंकि ट्रैवलिंग भी यहाँ पर नजर आई है, चैरिट का कार्ड ट्रैवलिंग को दिखाता है ना। तो बस इसी इंसान का इंतजार है कि ये कोई बड़ा कदम उठाए, आपके आपके रिश्ते को एक नाम दे, आपसे इस तरीके से दूरी ना बनाए कुछ और लोगों की वजह से, है ना। तो एक्शन की कमी होने की वजह से ही कमिटमेंट यहाँ पर नहीं मिली है, और आप चाहते हो कि कोई कुछ तो बड़ा करे आपके पोषण आपकी जिंदगी में आकर। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड भी वही चीजें दिखा रहा है कि आपके पोषण आपको प्यार ऑफर करे, आपकी तरफ वापस आए, आपके प्यार को समझे, है ना, आपका और इनका रिश्ता फिर से पहले जैसा ही हो जाए। तो इसी इंतजार में जो है आप यहाँ पर रुके हुए हो इस इंसान के लिए, कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, किसी और की तरफ जो है आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। आपको कमिटमेंट चाहिए, रिश्ता चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही इंसान आकर दे, और किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। चाहे इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम या ब्यूटीफुल, पैसे वाला कोई आ भी जाए, तो आपको उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। आपको चाहिए तो बस यही इंसान का प्यार चाहिए। और आप में से कई लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हो, आपको लगता है कि जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाएगा। इसी वजह से तो आप इतनी ज्यादा दुआएं कर रहे हो, ऊपर वाले से झोली फैला रहे हो कि जो बुरा वक्त चल रहा है आपके और इनके बीच में, जो रिलेशनशिप खराब हुआ है आप दोनों के बीच में, वो वक्त बदल जाएगा। तो भरोसा आपने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि भरोसा अभी भी बरकरार है आपका। हालांकि आपने हो सकता है कि बहुत सारे दर्द को झेला है ना, इस इंसान की तरफ से यही सब नजर आता है कि वक्त के बदलने का और आपके कर्म का बदलने का यहाँ पर आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हुए मुझे नजर आए हो। और यहाँ पर एक कार्ड और निकल कर आया है जो है सेवन ऑफ सोर्ड्स। हमारा ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। मतलब दो चीज़ों में हमेशा फंसी हुई एनर्जी ही मुझे आपकी नज़र आती है कि एक आपका दिल कहता है कि ये इंसान आ जाएगा, वक्त बदलेगा, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये इंसान वापस आएगा, कोई बड़ा एक्शन लेगा। और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी डाउट हो रखा है कि पता नहीं ये इंसान आ तो जाएगा पर सुधर कर आएगा या नहीं, बदल कर आएगा या नहीं, आएगा भी तो मुझे अपनाएगा या नहीं, मेरे साथ रिश्ता रखेगा या नहीं। यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आप कन्फ्यूजन में हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ चीज़ों को बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो कि वक्त
आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपको बस आपके पोर्शन से कमिटमेंट चाहिए, आपको इनकी तरफ से कोई सॉलिड एक्शन चाहिए, है ना, ताकि ये आपको आप भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सको, कुछ कर सको, क्लैरिटी आपको दे दे। तो यही सब चीज़ों का इंतजार करते हुए, दुआएं करते हुए मुझे आप नजर आए हो गाइस। तो क्या आपने यहाँ पर जो भी चीज़ें सोची है, करंट फीलिंग्स में आपकी जो भी चल रही है, कहीं पर गुस्सा है, थोड़ी सी भरोसे की कमी है, अपने पर्सन को कभी जो है गलत तरीके से याद कर रहे हो, तो कभी जो है नहीं ये इंसान ऐसा नहीं था, वो आ जाएगा, प्यार लेकर ही आएगा, मेरे प्यार को समझ जाएगा, तो इस तरीके के एनर्जी में फंसे हो गाइस। तो क्या आपकी जो भी मन्नतें हैं यहाँ पर, क्या वो पूरी होंगी, इसका भी मैं जवाब यहाँ पर देती हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ आपको फीलिंग्स बताना था, पर फ्यूचर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। क्या आपकी आपके सपने जो है यहाँ पर पूरे होंगे, जो विशेष पूरी होंगी, तो डेफिनेटली हमें स्टार का कार्ड मिला है जो दिखाता है कि आपने जो भी यहाँ पर सपने देखे हैं वो जरूर पूरा होगा। पर इस चीज़ को होने के लिए थोड़ा सा लगेगा वक्त, यानी कि आपको मैनिफेस्टेशन करना नहीं छोड़ना है, जो आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते जाइए, और देर सवेर जो है आपका किस्मत यहाँ पर घूमेगा और आपने जो भी मांगा है वो जो है यहाँ पर पूरा होकर ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको आपके मैनिफेस्टेशन का फ्यूचर भी आपको यहाँ पर बता दिया है, जो हमें स्टार के कार्ड से और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से नज़र आया है कि आपकी सभी तमाम जो मन्नतें हैं, इच्छाएँ हैं, वो पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये तो रही गई आपकी करंट फीलिंग्स। अब आप देखिए कि कितनी मैच हुई है, तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर, अगर आपकी मैच होती है तो ठीक है। आप आपके पोर्सन की तरफ से उनकी फीलिंग्स निकालेंगे, आपको तो इनका इंतजार ही मुझे नजर आ रहा है ना। आप भी फंसे हुए हो, एक्शन बिल्कुल, मतलब आपने अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि पता नहीं कब ये कुछ अच्छा होगा या नहीं, पर कुछ कहीं पर छोटी सी उम्मीद भी है कि नहीं एक ना एक दिन मेरी किस्मत भी अच्छी होगी, मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाएगा, कमिटमेंट मुझे मिलेगी। तो फंसे हो आप बहुत बुरी तरीके से। अब आपके पोर्सन के देखते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, और साथ में मैसेज भी निकालूंगी इनकी तरफ से आपके लिए। चलिए निकालते हैं कार्ड। वाव, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मजेदार। पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का आया है, हमें एक्शन मिला है इनके करंट फीलिंग्स में। फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओ माय गॉड, पाइल नंबर टू। देखिए आपके पर्सन की तरफ से द लवर्स का कार्ड, यानी कि हमारा बिंगो कार्ड निकल कर आया है, और मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा खुश, समझ गए। वाओ, खुश रहो, खुश रहो। वाओ, मजा आ गया गाइस, जन्म जन्म वाला कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। वाओ, आपकी तरफ नहीं निकला, आपके पोषण की तरफ आया है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। आपकी एनर्जी भी आ गई, अब लवर्स का आया है तो आपकी एनर्जी तो आनी ही थी, तो आ गई निकल कर, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना गाइस। बहुत खूबसूरत। देखिए आपका भी यहाँ पर स्टार आया था, यहाँ पर भी स्टार आया है ना। तो क्यों आया है गाइस स्टार का कार्ड यहाँ पर? हाँ। कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टेकल्स खड़ी की जा रही है यहाँ पर। कोई बात नहीं, टेन ऑफ कप्स। और बॉटम में क्या है गाइस? बॉटम में फिर से आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है ना। तो गाइस चलिए, बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं,
कुछ दर्द है, कुछ परेशानियां हैं, पर फिर भी प्यार जिंदा है ना? यही तो होता है लवर्स का कार्ड। तो आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर इस रीडिंग में जेमिनी स्ट्रांग है और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा जो है मुझे यहाँ पर एयर साइन नजर आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या नजर आया है गाइस, अर्थ साइन नजर आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। कुछ लोगों के लिए फायर साइन है, लियो सैजिटेरियस या धनु मेष राशि, तो कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। तो जेमिनी और एक्वेरियस स्ट्रांग है। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो मुझे तो नजर आ रही है पर आपको शायद नजर नहीं आ रही है? तो मुझे तो इनके दिल में, इनके थिंकिंग में, इनके थॉट्स में, इनके यहाँ, इनके वहाँ, उनके इनके ऊपर, इनके नीचे, चारों तरफ आप ही तो नजर आ रहे हो गाइज इनकी करंट फीलिंग्स में। मुझे तो और कुछ नजर आया ही नहीं है यहाँ पर, देखिए। पता नहीं आपको क्या नजर आता है, क्योंकि देखिए दो दो कार्ड्स, एम्प्रेस का कार्ड बॉटम में निकला है, नीचे जो है क्वीन ऑफ पैंटेकल्स निकला है, यहाँ पर जो है लवर्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला है। तो ये इंसान आखिर आपको भूला तो भूला कैसे? ये इंसान आपको कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो भी किया है, भूलने का ड्रामा, भूलने का नाटक जो भी किया है, ये सिर्फ एक नाटक है, ये सिर्फ एक पल भर की दूरी है, ये सिर्फ एक यू नो ये सब एक ब्ला 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 वाली बातें हैं, और कुछ इस रीडिंग में कुछ सच्चाई नहीं है। जो भी आप दोनों का यहाँ पर दूरी का स्टेज चल रहा है, ब्रेकअप का स्टेज चल रहा है ना, रूठे हुए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल्स को मार रहे, फेंक रहे, फोन फेंक रहे हैं, आपके कॉल्स आपको ब्लॉक कर रखे हैं, आपके मैसेज को देखकर अनदेखा कर रखे हैं, आपको बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आना जाना लगा है, खुद ही जो है दूर दूर भाग रहे हैं, यानी कि टोटल ब्रेकअप ले लिया है, पर फिर भी क्यों आप घूम रहे हो इनके दिमाग में, इनके दिल में, आप इनके जहन में क्यों हो? यही तो सवाल है। ये इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि ये इंसान कभी भी आपको नहीं भूल सकता, कभी भी आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकता, चाहे ये आपको जितना भी दर्द दे दे जाए, चाहे आपको जितना भी ये दिखाने की कोशिश करे कि ये आपसे प्यार नहीं करते, पर प्यार है गाइस। समझ गए पायल नंबर टू, प्यार बहुत है, बहुत है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है, जो दिखाता है कि पल भर की दूरी है ना, मजबूरी है, कुछ कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपके पोषण दूर तो हो गए हैं, है ना, पर इन्होंने आपको प्यार करना नहीं छोड़ा है, आज भी आपके दिल को बहुत प्यार करते हैं, आज भी आपके केयर जो आप इन्हें करते थे ना जब रिश्ते में थे, है ना, वो प्यार अब भी इसे याद है, इस इंसान को अभी भी खाता है, वो खाए जाता है ना, कि ये इंसान ने, इस इंसान ने मेरे को इतना प्यार दिया था, इस इंसान का दिल इतना बड़ा है। आप में से कई लोगों ने इन्हें हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प भी की है, सपोर्ट किया है, जब इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया है, दिल ही नहीं बल्कि सपोर्ट भी आपने इन्हें भर भर के किया है, केयर किया है। हो सकता है कि आपको इतना प्यार, इतना केयर इनकी तरफ से नहीं मिला, पर यू नो आपने इन्हें सब कुछ दिया है, तो इस प्यार का एहसास है ना इस इंसान को अब जाकर यहाँ पर हो रहा है, जो मुझे इनकी करंट फीलिंग्स में नजर आ गई है। इन्हें पता चल चुका है आपसे ब्रेकअप लेकर, आपसे दूर होकर, कि आप ही वो हो जो इस इंसान के घर को बसा सकते हो, जो इनके साथ परिवार बना सकते हो, जो इनकी फैमिली में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। आपके अलावा कोई दूसरा या तीसरा इंसान इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। यही होता है लवर्स का कनेक्शन, जो आपके पोर्शन को शायद पहले समझ में नहीं आई, शायद पहले घमंड में चूर रहे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ये इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाए, पर आज जाकर आपके प्यार का एहसास है, जो बॉटम में ही रूल कर रहा है, यानी कि इन एनर्जीज को ही रूल कर रहा है आपका प्यार। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये इंसान आपको भूल चुका है ब्रेकअप के बाद, या डिवोर्स के बाद, या दूर होकर, है ना? नहीं, 100 में से 0% भी ये इंसान नहीं भूला है आपको। ये इंसान कुछ समस्याओं से गुजर रहा है। पहली समस्या जो मुझे नज़र आई है वो है इनका आर्थिक कंडीशन, यानी कि इनका आर्थिक स्थिति मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है ना, पैसे रुपए की तंगी हो रखी है, कैरियर अच्छा नहीं जा रहा, बहुत जगह हाथ पैर मार रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है ना। तो कहीं ना कहीं आप इनका लक भी हो। देखिए एम्प्रेस का कार्ड हमेशा लक को दिखाता है, एक लकी इंसान की एनर्जी होती है, जो किसी के साथ रहता है ना तो उसका भाग्य चमक जाता है, ठीक है। और आपके पोज आप में तो देखिए पैसे रुपए भी कमाने की टैलेंट है,
पैसे रुपए को भी संभाल सकते हो, घर भी संभाल सकते हो, है ना, आप प्यार भी दे सकते हो। तो ऐसे इंसान को जब कोई अपनी ज़िंदगी से निकालेगा तो उस इंसान का तो यहाँ पर यही हाल होना है ना। तो इस इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं लक भी चली गई है, किस्मत भी रूठ गई है इस इंसान से, कहीं पर भी इन्हें सक्सेस नहीं मिल रही ऐसा लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, कि माँ बाप का पैसा ज़्यादा है, परिवार का पैसा ज़्यादा है, पर उससे इस इंसान की पहचान नहीं होती गाइस। इस इंसान ने खुद क्या बनाया है, इस इंसान में खुद क्या काबिलियत है, क्या वो अपने बिजनेस को ठीक कर पा रहे, क्या वो अपने कैरियर को ठीक कर पा रहे, इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो आप ये मत कहिए कि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे रुपए वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कहिए कि क्या इन्होंने अपने लिए कुछ किया है लाइफ में। तो अभी बहुत प्रॉब्लम में है, पैसे रुपये को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, दिक्कत में मुझे ये इंसान नज़र आ रहे। अब एक बात और बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी नज़र आते हो जिसने किसी से दिल लगा लिया, जो पहले से ही शादीशुदा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या इनके बाल बच्चे हैं, बीवी है, पति है, यानी कि कुछ ना कुछ मैरिड लोगों की भी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। हो सकता है कि ब्रेकअप का रीज़न ये भी एक हो, कि या फिर सिंगल है तो कहीं और शादी फिक्स हो गई है, या शादी कर रहे हैं, कुछ परिवार का इशू भी यहाँ पर नज़र आता है इस ब्रेकअप के पीछे। तो कुछ का यहाँ पर कैरियर को लेकर पैसे रुपए की तंगी की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया, डिफरेंस आया, आप दोनों की मेंटेलिटी मैच नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ समस्या तो डेफिनेटली हुई है, जिसके वजह से आपके पोस्ट ने आपसे दूरी बनाई है। पर दूर होने के बाद भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनका प्यार एक तरफा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी इनसे प्यार करते हो और आपका भी प्यार एक तरफा नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए मुझे यहाँ पर इनके करंट फीलिंग्स में नज़र आए हो। और यही प्यार और आपको दिन रात सुबह शाम मिस जितना ये इंसान कर रहे हैं ना, ये इंसान इसी वजह से जो है आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आए हैं इनकी करंट फीलिंग्स में। यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें बहुत ही खूबसूरत एक्शन मिला है, जो एक हमेशा जीत वाला एक्शन होता है, कि कोई इंसान है जो बहुत जोश में आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है। ओके, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अपने प्यार की समझ इस इंसान को अब हो चुकी है, और यही वजह रहेगी कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, आपके रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, इनके यहाँ पर भी ये कार्ड आया था, है ना। तो ये अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार बाल बच्चे पूरी ज़िंदगी इन्होंने देख रखी है यहाँ पर, समझ गए, आप ही को ये अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ ये एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं, यही सब चीज़ें जो है ये इंसान यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ गए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन में दो चीज़ें निकल कर आई है, एक आप के साथ घर परिवार, आपके साथ रिश्ता, और दूसरा दूसरा जो मैनिफेस्टेशन इनका चल रहा है वो है अपने कैरियर को लेकर। तो दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दुआएं यहाँ पर मांगी जा रही है, परेशान है आपके पोषण, है ना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इनकी करेंट फीलिंग्स में मुझे यही नज़र आई है। तो क्या इनकी ये चाहत, इनकी ये जो भी इन्होंने मांगी है ऊपर वाले से, क्या ये सब चीज़ें पूरी होंगी? तो मेरा जवाब यही है कि स्टार का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि डेफिनेटली जो भी मन्नतें इस इंसान की है आपको लेकर, अपने कैरियर को लेकर, वो पूरी हो जाएंगी, ऊपर वाला इनकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। इस इंसान को आपका प्यार समझ में आ चुका है, पता चल चुका है इस इंसान को कि आप कल इनकी ज़िंदगी में थे तो क्या था, और आज इनकी ज़िंदगी आपके बिना कैसी हो गई है, कितनी बर्बादी की तरफ इस इंसान की ज़िंदगी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो भी इग्नोर करना, ब्लॉक करना, मैसेज नहीं देखना, कॉल नहीं देख करना, ये सब जो चल रहा है ना गाइस, इसे चलने दो, इसे चलने दो, क्योंकि आपके पोर्शन डेफिनेटली खुद आएंगे आपके पास। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिन रात इनके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान खुद चलकर आपकी तरफ आ रहा है या फिर आ रही है। ओके, तो अब हम आपको जो है इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकाल कर देते हैं, कि जो फीलिंग्स यहाँ पर, हालांकि सब कुछ तो बता ही दिया है इन्होंने, कुछ बाकी तो रहा नहीं, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डोज आपको देते हैं इनके मैसेजेस का, है ना गाइस। चलिए कुछ निकाले हैं मैंने, चार पांच मैसेजेस देखते हैं। बिकॉज सॉरी, यस आई हैव ब्लॉक्ड यू बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। तो यहाँ पर जो सेवन ऑफ सोर्ड वैंड्स का कार्ड आया है, कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये मान रहे हैं इस बात को कि हाँ, मैंने तुम्हें अपने से दूर किया है, ब्लॉक किया है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई रास्ते नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सबसे अच्छा रास्ता और आसान रास्ता इन्हें यही लगा, ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से निकल सके, अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को ठीक कर सके, और उसके बाद ये इंसान आना चाहते हो। तो कुछ पलों की ये जुदाई है,
टेंशन नहीं लेना है। वाई सो मच पेन, तो ये कह रहे कि इतना दर्द आखिर क्यों, है ना, यानी कि ये मैसेज इसलिए इन्होंने भेजा है क्योंकि इन्हें भी दर्द हो रहा है आपसे जुदाई करके, आपसे जुदा होकर इस इंसान को भी दर्द हो रहा है, जो यहाँ पर इन्होंने जो ब्रेकअप लेने का जो डिसीजन लिया था, आपसे दूर होने का डिसीजन लिया था ना, इससे ये इंसान भी खुश नहीं है, इन्हें भी तकलीफ़ हो रही है, इन्हें भी दर्द हो रहा है। तो इन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है कि आखिर इतना दर्द मुझे मिल क्यों रहा है, वाई सो मच पेन, तुम क्यों नहीं समझती मुझे। तो ये सवाल है, शायद इस ब्रेकअप के पीछे की वजह आपको समझ में नहीं आ रही कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, इस इंसान ने आपको दर्द क्यों दिया, है ना, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो इस इंसान की भावनाओं को, तो ये आपसे थोड़ा नाराज़ है और ये कह रहे हैं कि आप आखिर इन्हें समझते क्यों नहीं, इनकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं समझते। माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग, ये कह रहे हैं कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता तभी जाकर वो ऊपर वाले से, ऊपर वाले की तरफ अपना हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, तो वही सब चक्कर यहाँ चल रहा है, इनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, जो गलती इन्होंने आपसे जुदा होकर कर ली, अब जाकर जो है इस इंसान को आपकी अहमियत पता चल रही है, आपका प्यार पता चल रहा है ना, तो ऐसे इंसान का दिमाग स्टक ही होगा ना, तो काम कैसे करेगा। तो ये आपसे ये कह रहे कि इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, ओके। तो लवर्स का मैसेज इन्होंने भेजा है, हमारा बिंगो कार्ड, ये कह रहे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इस बात को अगर ये ना भी बताते तो भी हमें पता चल ही जाता है, जब लवर्स का कार्ड आता है तो ये एक सच्चा प्यार होता है, जो किसी मजबूरी से या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से दूर तो हो जाता है, पर प्यार वही होता है, हमेशा रहता है ना, और ये इंसान इसी प्यार के खातिर आपकी तरफ डेफिनेटली आते हुए मुझे इनके करंट फीलिंग्स में नज़र आए हैं। आई होप जल्द से जल्द आ जाए, वक्त ज़्यादा ना ले, क्योंकि आप में से कई लोग महीनों से सालों से इंतज़ार कर करके थक गए हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपकी रुक गई है, थम गई है इस इंसान का इंतज़ार करते करते, है ना। तो आई विश, मैं भी मन्नत मांगू ऊपर वाले से, मांगती हूँ कि ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस बहुत सारा प्यार लेकर आ जाए। तो गाइस, यही थी पाइल नंबर 2 आपके रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हुई है तो आपके पर्सन की तो 100% मैच होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। कमेंट करके बताना कैसी लगी रीडिंग, और अपना बहुत अच्छा आपको ख्याल रखना है गाइस, ठीक है, दर्द में ज़्यादा मत रहिए, खुश होने की कोशिश कीजिए, जानती हूँ इतना आसान नहीं होता, पर कोशिश करके तो देखिए। तो चलिए, इतना कहते हुए अपरीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।